बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं मेराज फातिमा एक और नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज की हमारी रेसिपी है चटपटा चना, जिसे मसाला चना भी कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना और उसके इंग्रेडिएंट्स नोट करिए। उससे पहले जो कोई भी न्यू है मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि मेरे जो न्यू रेसिपीज जो मैं रोज डालती हूँ आप लोग को वो सब मिलते रहे, उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। चलिए ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इंग्रेडिएंट से। ये है 1 कप चना, 2 टीस्पून हमें चाहिए कुकुम्बर, 4 पत्ते जो लेटिस के रहते हैं उसको इस तरीके से छोटा छोटा कट कर लीजिए, और येलो बेल पेपर ली है मैंने 2 टीस्पून, कैरेट लिया है 2 टीस्पून, ऑनियन ली है 2 टीस्पून, और टोमेटोज भी 2 टीस्पून छोटे छोटे पीसेस में मैंने कट करके रेडी रख लिए हैं। अब हमें जरूरत पड़ेगी मसालों की, जो कि है 1/2 टीस्पून लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून हमें चाहिए नमक। ये है 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून चाहिए हमें काला नमक, इसलिए मैंने 1/2 टीस्पून सफेद नमक लिया हुआ है, और यह है आमचूर पाउडर, आप अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिए, मैंने लिया है 1/2 टीस्पून। चलिए शुरू करते हैं इसकी कुकिंग प्रोसेस। ये ले लिया था मैंने 1 कप चना, जिसको मैंने 4 से 5 घंटे पानी में भिगो दिया था, उसको इस तरीके से गला लिया है 5-6 सीटी देकर, पानी डालकर, नमक नहीं डाला है, ओनली पानी डालकर गला लिया था, इसलिए ये जल्दी से ऐसे गल चुके हैं। आप लोग भी इस तरीके से इसे गला लीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं कुकिंग। हमने ले लिया है पैन, उसमें डाल दिया है 1 टेबलस्पून ऑयल, ऑयल आप अपनी हसबे जरूरत लें, ऐसे कुछ नहीं है। चलिए अब इसमें हम डालेंगे चना, चना को हमने थोड़ा सौटे करना है, सौटे करने के बाद इसमें सिर्फ नमक और हमने मिर्च डालकर इसको ऐसे सौटे कर लेना है। अभी ने मैं थोड़ा चने इसमें थोड़ा सा ऑयल में सौटे करूंगी, फिर उसके बाद इसमें मिर्च और नमक डालकर इसको और सौटे करूंगी। देखिए हमारे चने अच्छे कुक हो रहे हैं, अब इसमें हमने डालना है नमक और मिर्च, अगर चाहें तो आप धनिया और जीरा भी डाल सकते हैं। इस तरीके से हमने टॉस कर लेना है पैन को, ये मिर्ची हमने ज्यादा कुक नहीं करनी है, जल जाएगी वरना। हमारे चने कुक हो चुके हैं, अब हमने इसको ऐसे खुले बाउल में डाल लेना है। अब सारी सब्जियां हम इसमें मिक्स करेंगे, पहले हम डालेंगे लेटस, कैरेट और हमने येलो बेल पेपर्स डाल दिया है इसमें, टमाटर और प्याज भी चले जाएंगे इसमें। बहुत इजी और हेल्दी सी चना मसाला चना चाट, इसको क्या भी बोल लें आप, बहुत हेल्दी और अच्छा बनता है ये बहुत। इसको पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सब्जियां हमने इसमें मिक्स कर दी हैं, अब हम इसमें डालेंगे काला नमक और आमचूर पाउडर, जो कि लास्ट की चीज है। ये पूरा बिल्कुल तैयार हो चुका है, इस टाइम पे अगर आप डालना चाह रहे तो इसमें लेमन और जो धनिया होता है वो भी डाल लें, टोटली ऑप्शनल है, ऐसा कुछ नहीं। ये लीजिए जबरदस्त से हमारी चना मसाला चटपटा चना तैयार हो चुका है, आप लोग भी इसे बनाइए जरूर, मुझसे कमेंट में शेयर भी करिएगा कैसा बना। और अब मैं लेती हूँ इजाजत, कल फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, जब तक मुझे दुआओं में याद रखिए और मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि मेरे जो न्यू रेसिपीज आते हैं रोज आप लोग उससे मिस ना हो, उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे। चलिए चलती हूँ, लेती हूँ इजाजत, अल्लाह हाफिज, इंजॉय द फूड।